वेलकम टू सोशियोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, सारी डिटेल दी हुई है, यूपी टीजीटी पीजीटी और राजस्थान पीजीटी और नेट जेआर 2022, ये सारी, ये अभी आपके पेपर चल रहे हैं, फॉर्म आपने डाले होंगे सबके। और विषय आपका समाजशास्त्र। इस लेक्चर में हम अवधारणाएँ और उनके विचारक पर बात करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है, 16 प्रैक्टिस सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। और ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आपकी अवधारणाएँ दी हैं और इधर आपके विचार हैं। ठीक, तो पहली अवधारणा पर विचार करते हैं। पहली अवधारणा है आपकी सचेतावस्था, किसकी है, आपके समनर साहब की है। और नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध सहभागी समूह प्रत्यक्ष, ये आपका जिन्सबर्ग और बॉटोमर की है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के जैविकी विकास का सिद्धांत का विरोध किसने किया था, बेबर साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्रजाति लेखक के जनक कौन है, डीएन मजूमदार। और नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विचारक कौन है, ब्रायनवक्सी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट व्यापारी उद्यमियों का सिद्धांत किसने दिया था, टी बेबले ने। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्राम का सिद्धांत, आपका टी बेबले। और नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण को मापने के लिए पैमाने का विकास किया और एलेक्स इंकल्स ने किया था। ठीक, किसने किया था, एलेक्स इंकल्स ने। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्य समाप्त हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति परिवार से माना, किसने माना था, बैकोफन। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या सिद्धांत किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व औद्योगिकरण परिवार यानी कि क्लासिकल एक्सटेंडेड फैमिली का प्रतिपादन किसने किया था, अरेंस वर्ग और टी एस टी किम्बल ने। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति की तुलना मुद्रा से की, किसने की थी, पार्सन साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोखले ने। और नेक्स्ट पॉइंट आपका रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण प्रत्यक के प्रतिपादक किसने किया था, कूले साहब ने। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वानुभाविक विधि के प्रवर्तक कौन है, प्रोफेसर आई स्ट्रॉक। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका दरिद्रीकरण के प्रतिपादक है, कार्ल मार्क्स। और आगे देखते हैं, ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट है पत्नी स्थापक और पति स्थापक किस प्रवर्तक कौन है, मैक्स लेलन। और नेक्स्ट पॉइंट है एक स्थानीय प्रवर्तक कौन है, मिसा टिटिम। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य की सापेक्षित स्वायत्तता, एन पुरजुवल जासन। और नेक्स्ट पॉइंट है अदोबर्ग यानी कि एंडरसन क्लास की अवधारणा किसने दी थी, बी जे विल्सन ने। और नेक्स्ट पॉइंट है सहचर्यत का लय आपका बानबीच का है। और नेक्स्ट पॉइंट है उथल पथल की नीति किसने दिया था, एल्विन ने। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण की नीति किसने दी थी, आपका जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और नेक्स्ट पॉइंट है आत्म बिलगांव के और अलगाव के नामक के अवधारणा के प्रवर्तक कौन है, ये आपका एडम फर्गसन। और नेक्स्ट पॉइंट है असंग और संबंधित प्रवर्तक व्यवहार के प्रवर्तक मिशेल फूको। नेक्स्ट पॉइंट है विखंडनवाद के विचारकवाद, ये आपका जॉर्ज जॉक डरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आने वाले लोकतंत्र के प्रति आशा भरा हुआ है, आपका डरीदा साहब ने कहा था, भेद और विभेदीकरण किसने दिया, जॉक डरीदा ने। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सर्वाधिक कमजोर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी, एन के बॉस ने। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन चक्र दृष्टिकोण किसने दिया था, ए के कोमैन ने। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक चरित्र की बात कौन करता है, एरिक फ्रॉम। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्री हस्तक्षेप, एनिल टूरेन। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग संघर्ष बात चिंता की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है, लेस्ली। और ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में मानता है, हार्टमैन। नेक्स्ट पॉइंट आधुनिक औद्योगिकरण समाज परिवार का प्रमुख रूप के प्रवर्तक कौन है, पार्सन साहब। और अर्ध समूह ए सी मेयर का है। और नेक्स्ट पॉइंट है मूल औद्योगिकरण एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी के मध्य में कई बार ने किया था, सारे असंतोष का स्रोत परिवार को माना था, किसने, इलान इलिच ने। नेक्स्ट पॉइंट परिवार कैपिटलिज्म है, किसने कहा था, पार्सन साहब ने। और आगे देखते हैं, ये रहे कुछ पॉइंट, ये आपका शिव मार्डक ने कहा था, सोशल कन्वेंशन आपका रैंडम एरा का है। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बर्न आपका गिलबर्ट का है। और नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के सामने मध्य में भूमिका और सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, गूडे ने। नेक्स्ट पॉइंट है जाति में जादू में सहानुभूति का नियम
फ्रेजर का। नेक्स्ट पॉइंट है, जादू के संबंध में संपर्क एवं असमानता का नियम किसने दिया था? फ्रेजर ने। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये अपने 17वां लेक्चर था इस सेशन का, और इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कुछ लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने रहेगा यूपी पीजीटी के सी का और 18वां, ठीक है। और लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।